हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हरीश साहू, अभिप्स एजुकेशन फॉर एक्सलेंस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम जो है अध्याय चार जो है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के आज लास्ट क्वेश्चन, और अध्याय चार के जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या चार अंकों वाली क्वेश्चन पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप पूरा लेक्चर देख के आए होंगे, और हमारा जो ये चल रहा है मिशन 2023 चल रहा है, मार्च मिशन 2023, उसका पूरे वीडियो के सफर में आप हमारे साथ जुड़े हुए होंगे, मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों, और आप पूरा पीछे का वीडियो जो है पूरा कंप्लीट करके आए होंगे। तो चलो इसी कड़ी में हम आज आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसमें चलेंगे मैं बताना चाहूंगा, हमारा जो मिशन चल रहा है कक्षा, अभी हम बात कर रहे हैं कक्षा दसवीं विज्ञान का, जिसमें हमें सीजी बोर्ड के जो एग्जाम सीरीज है उसमें पूरा विज्ञान के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस पर पूरा डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, और आपको बता रहे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, और आपकी तैयारी जबरदस्त तरीके से करा रहे हैं। अगर आप नए होंगे तो हमारे साथ बनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करिए। तो चलो हम बात करते हैं, आज कौन सा चैप्टर है भाई? चैप्टर है इकाई, देखो इकाई एक का चौथा नंबर चैप्टर, चार अंकों वाले प्रश्न का डिस्कशन करना है। चैप्टर कौन सा है? अध्याय चार, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो पहला क्वेश्चन चार नंबर का आता है, जो रिपीट है। देखो क्या है, कौन सा 2022 में पूछा गया था करेंटली, क्या है भाई? देखो एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है। अब उसमें क्या क्या है पूछ रहा है देख लेते हैं। वो पूछता है कि इस तत्व का पहचान कर नाम लिखे बोल रहा है, साथ में आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह संख्या लिखे, आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखे, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये भी बताइए। तो चलो भाई बारी बारी से देखते हैं, क्या परमाणु क्रमांक 11 है भाई? कितना है जी? परमाणु क्रमांक 11 है। तो परमाणु क्रमांक 11 अगर, तो क्या समझू मैं इसका? सबसे पहले क्या करूं मैं? सबसे पहले मैं बात करूंगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। किसका भाई? 11 नंबर जो परमाणु क्रमांक है। तो चूंकि परमाणु क्रमांक 11 है, चूंकि परमाणु क्रमांक जो है 11 है, अतः मैं बोल सकता हूं कि ये पक्का क्या होता होगा, इसमें ये जो है 2n² फॉलो करेगा तो बिल्कुल ये जो है क्या करता होगा, ये बिल्कुल 2 से 3 कोस बनाता होगा। क्यों? 10 के अंतर्गत रहता है तो हम बोलते हैं 2 कोस रहता है, लेकिन 10 से ज्यादा ऊपर चलता है। देखो भाई, चलो देखो कैसे कर सकते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2, 8 कितना हो गया जी? 10। अब नया कोस बनेगा और नया कोस में क्या आ जाएगा? 1। क्लियर हुआ? तो कोसों की संख्या कितनी हुई? के हुआ, एल हुआ, सॉरी एल हुआ, एम हुआ। क्लियर? के नंबर के कोष को 1 बोलता हूं, इसको 2 बोलूंगा, इसको 3 बोलूंगा। तो कितना कोष हुआ यहां? कोषों की संख्या क्या हो गई? कोष की संख्या बोल सकता हूं, फिर कोष की संख्या कितनी हुई जी? कोष की संख्या बराबर 3। क्लियर? यहां तक बात समझ में आई? अब क्या पूछा है, चलो देखो बारी बारी से। इस तत्व को पहचान का नाम लिखिए, इसको लास्ट हम करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह संख्या लिखिए, तो कौन सा वर्ग में होगा? तो वर्ग क्या बोलता है भाई? जो बाहर में जो क्या आती है, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा आती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना। देखो कितना है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब इससे मुझे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन की जो संख्या वो बताती है कि ये जो है किस वर्ग में है। तो भाई 1 आ रहा है, तो 1 क्या बताता है आपको? 1 बताता है कि यह जो है प्रथम समूह के तत्व है, प्रथम समूह के तत्व है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? ये हुआ स्टार मार्क पहला लाइन। दूसरा देखो, आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखिए। देखो ये वर्ग बता दिया, अब मैं बात करूंगा आवर्त का। तो आवर्त क्या है, चलो देखो। तो आवर्त क्या बताता है? नंबर ऑफ कोस, जितना कोस रहेगा वो बताता है कि आवर्त किस आवर्त में रहेगा। तो देखो 1 कोस 2 कोस 3 कोस, कोसों की संख्या 3 है, मतलब ये पता चलता है, अतः यह जो है क्या है भाई? ये इसका आवर्त कौन से नंबर में? अतः यह तीसरे आवर्त का तत्व है। क्लियर हुआ बात? बात समझ में आई बच्चों? अब इस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सूक्ष्म में कर लिए, मतलब क्या भाई? 2, 8, 1 मतलब हो गया सोडियम, 2, 8, 1 बोल दिया मतलब सोडियम। क्यों? क्योंकि भाई सब चीज तो पता चल गया मुझे, 2, 8, 1 मतलब होता है 11 का क्या है, किस तत्व में है, देखो किस आवर्त में है, तीसरा आवर्त में, और कितना नंबर का वर्ग है इसका, देख लो प्रथम समूह के वर्ग में कौन होता है, सोडियम ही तो होता है, मैं जान गया। देखो 2, 8, 1 बोलते ही समझ में आ गया, 2, 8, 1 सोडियम, 11 नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, ये हुआ 10। 11वां नंबर सोडियम। तो अब तक मुझे क्या पता चला भाई, ये किसके बारे में बात कर रहा है? आखिरकार पर्दा खुल गया और उसका नाम मुझे पता चल गया, वो है
सोडियम। क्लियर हुआ बच्चों? तो इसका आंसर लिखोगे, पहले शुरू लिखोगे परमाणु क्रमांक इतना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, फिर अब बस करके जो जो पूछा गया है उसके बारी बारी से आपको आंसर देना है, मिल जाएगा तुरंत आपको चार नंबर। बात समझ में आई? यहां तक समझ में आया बच्चों? बहुत ही सरल है भाई, देखो बहुत ही सरल है। इस तत्व को पहचान का नाम लिखो, आपको सबसे पहला काम है पीरियडिक टेबल में 20 नंबर के 20 तक के सीक्वेंस को याद कर लीजिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आता ही है आपको, नहीं आता तो भी मैं बताया हूँ, कई वीडियो में आप देख सकते हैं पूरा, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम बेसिक से करता हूँ। 2 8 1 आ रहा है, क्यों 8 से 1 जा रहा है, बोरबरी योजना, ये सब बताते आया हूँ भाई, ठीक है। हाँ, अब यहाँ तक बात समझ में आई? ये क्वेश्चन देखो 2022 में पूछा गया था, हलवा क्वेश्चन। फिर पूछ सकता है एक तत्व का परमाणु क्रमांक 21 है, इस तत्व का पहचान का नाम लिखिए, आधुनिक अर्थशास्त्र में इसका नाम बताइए, ऐसी पूछ सकता है और पूछा भी गया है भाई, ठीक। यहां तक बात समझ में आई? आगे बढ़े, अब देखो और देखो वही क्वेश्चन, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, सोडियम के बाद क्या आता है, देख लेंगे सर क्या आता है। फिर वो पूछ रहा है क्या, कब पूछा गया था ये, 2020 में पूछा गया था। तत्व का पहचान का नाम लिखिए, उसको सबसे लास्ट में करेंगे, आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व की समूह संख्या लिखिए, फिर से देखो, फिर उसका बोलता है आधुनिक आवर्त सारणी में इस तत्व का आवर्त लिखिए और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। पहला काम क्या बोलता है सर, परमाणु क्रमांक दिया है, लिख दो परमाणु क्रमांक, बताओ भाई क्या है जी, 12। पहला काम और क्या है, दूसरा काम सॉरी क्या है भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना। कैसे भरोगे बच्चों बताओ, 12 है, क्या समझ में आ रहा है, 10 तक तो 2 कोष में खत्म हो जाता है, 12 आएगी सर, 12 बजाएंगे इसका, कैसे, 2 8 2। बात समझ में आई क्या, यहां तक बात समझ में आया, कैसे 2 8 2 है सर, 2 8 उतर 10, 10 जो है नियान का होता है, उसके बाद जो आने वाला है वो क्या आएगा भाई, 1 2 3 करके 8 तक बढ़ेगा। तो बात हुई समझ में, यहां तक समझ में आई, आगे बढ़े। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, अब आपको याद ही आ गया होगा कि क्या है इसका, लेकिन फिर भी चलते हैं, सब बोल देगा क्या है इसका आंसर, नहीं बताऊंगा मैं अभी भाई। हाँ चलो, फिर आधुनिक और सन्निमित तत्व की समूह संख्या देखो भाई, देखो 2 बता रहा है, मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब मुझे समझ में आया कि यह द्वितीय समूह का तत्व है। बात समझ में आई बच्चों, द्वितीय समूह का तत्व है, बिना देखे मैं बोल दिया द्वितीय समूह तत्व है, अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है 2 उसको देखकर, ठीक है। अब कोषों की संख्या बताओ, 1 कोष 2 कोष, बात आई 3 कोष की, क्या आई भाई, क्या आई, 3 कोष। अगर यहां पर 3 कोष है सर, तो फिर से यहां पर बात आ गई क्या, 3 कोष हो गए, मतलब क्या, ये तीन तीसरे नंबर के आवर्त में यह जो है मौजूद है, क्या मौजूद है, तीसरे नंबर के आवर्त में, कौन भाई, कौन, ये भैया आपके 12 नंबर वाले जो परमाणु क्रमांक वाले तत्व है वो तीसरे आवर्त में है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कर दिया, नाम बता ही दो सर, तीसरे आवर्त में कौन है, तीसरे आवर्त में रहने वाला जो बात है वो कौन है भाई, और नहीं अपना प्यारा मैग्नीशियम है, कौन, मैग्नीशियम। इससे पहले क्वेश्चन में सोडियम पूछा, आज मैग्नीशियम पूछ दिया, सॉरी पहले मैग्नीशियम पूछा, फिर 2022 में सोडियम पूछा, फिर पता चल रहा है नियान को पूछ दिया, बेचारा क्री गैस, वो भी बैठा होगा आराम से ऐसे सिकुड़ कर, मैं किसी से रिएक्शन नहीं करता करके, वही पूछ दिया आपके क्वेश्चन में, आपके धरते इसी क्वेश्चन वही पूछ दिया, बताना पड़ेगा आपको, क्लियर। यहां तक समझ में आई बात, बहुत ही सरल क्वेश्चन आया है बच्चों, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, इससे सरल क्वेश्चन और आ ही नहीं सकता, और सीजी बोर्ड बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछता है, बस आपको तैयारी करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जुट कर देखना है, अच्छे से देखना है, और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना है, और कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बस आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आए, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, चलो 4 तत्वों की परमाणु संख्या है क्रमशः इतना 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 है, और मुझे 2018 और 2020 में इसको पूछा गया था, बोल रहा है मतलब ये समझ में आ गया कि अथवा में करके दिया होगा, है ना, 2020 में जो आया था वो क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अथवा में करके दिया होगा, ठीक है। अब इतना इतना है, अब बताओ कि ये जो है क्या कहे सर, बता दो इसको, कौन सा तत्व जो है वर्ग 18 का है, कौन सा तत्व जो है वर्ग 15 का है, कौन सा तत्व 13 का है, और कौन सा तत्व 17 का है। अब दिमाग लगाओ, अब ये दिमाग लगाओ कि अगर ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, दिमाग लगाओ भाई। अब आप दिमाग भी लगा लिए, अब आप आंसर भी जान गए होंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहला काम है हमारा, कुछ दिया हो या ना दिया हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना ही है, सबसे पहला काम है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देना। चलो बारी बारी देखो, फिर
क्या देखना है सर, बारी बारी से हमें देखना है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है तो क्यों पूछा गया है ना भाई। चलो देखो, पूछा गया है सर पांच दिख रहा है मुझे, पांच दिख रहा है तो क्यों पूछा है ये, क्योंकि आपको क्या करना है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, दो और तीन आएगा सर, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है। सात दिख रहा है, बताओ भाई, दो आएगा पहला कोष, दूसरा कोष में पांच आएगा, बात खत्म हुई, दो और पांच सात में, दो और तीन पांच में, क्लियर हुई। अब नौ का कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दो सात हो जाएगी, बात समझ में आई बच्चों। दस कितना होगा, दो और आठ। अब मैं सबको बॉर्डर में घेर देता हूं, फिर आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये हुआ दो और तीन, ये हुआ दो और पांच, ये हुआ दो और सात, ये हुआ दो और आठ, बात समझ में आई बच्चों। यहां तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस किया है, अभी तक कुछ भी नहीं किए। पहला काम है हमारा, जब भी इससे क्वेश्चन आता है, जब भी परमाणु क्रमांक या फिर कुछ भी परमाणु तत्व या फिर कुछ भी पूछ दे और उसका वो बोल दे कि परमाणु क्रमांक इतना है या फिर तत्व तो दिया गया है, सबसे पहला काम करना उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्लियर, यहां तक समझ में आया, सब चीज छोड़ देना, पेन कॉपी छोड़ देना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है आपको, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना। अब दो तीन हो गया, दो पांच हो गया, दो सात दो आठ हो गया। अब पूछ क्या रहा है सर, कौन सा तत्व 18वां वाले वर्ग का है, अब बोलो, ऐसे पूछ रहा है, मतलब वर्ग में कौन सा तत्व आ रहा है पूछ रहा है, मतलब क्या समझ रहा है, उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जाऊंगा सर, और लास्ट देखूंगा लास्ट वाले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है उस बेस से मैं बताऊंगा। तो चलो देखो सर, अब आठ कंप्लीट भरा हुआ दिखाई दे रहा है, अष्टक पूर्ण दिखाई दे रहा है, अष्टक पूर्ण होता है मतलब वो निष्क्रिय हो गया, अक्रिय हो गया, और निष्क्रिय और अक्रिय होने वाले तत्व को कहां रखा जाता है भाई, बच्चा बच्चा जानता है इसको, क्या आएगा, क्या आएगा सर, अक्रिय गैस हो जाएगा ये, और अक्रिय गैस कहां, वर्ग नंबर 18 में रहता है, शून्य समूह के तत्व कहलाएगा, मतलब ये समझ में आ गया सर, कौन सा वर्ग जो 18 के, मतलब इसका आंसर आएगा क्या, जिसका 10 है, जिसके परमाणु संख्या है 10 है, अतः ये जो वर्ग 18 में रहेगा, बात समझ में आई, ठीक, चार नंबर है, एक नंबर मिल गया। फिर पांचवे, सॉरी, फिर कौन सा तत्व वर्ग 15 का है, कौन सा तत्व जो है वर्ग 15 का है, अब 15वें वर्ग में कैसे जाएगा, चलो देखते हैं। अब देखो यहां से मैं बात करूं, कौन सा तत्व वर्ग 13 का है, कौन सा तत्व वर्ग 17 का है, ठीक है, अब देखो 15वां का है, अब देखो यहां है क्या क्या है, 15वां क्या हो सकता है, देखो यहां दो और पांच, जिसके बाह्यतम कोष में पांच इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये कहां आएगा, 15वें वाले में, मतलब इसका क्या परमाणु क्रमांक कितना है भाई, परमाणु संख्या देख लो क्या है जी इसका, ये दो और पांच सात, तो जो सात वाले है जिसका परमाणु संख्या सात है, ये इसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, जिसका परमाणु संख्या सात है वो क्या आएगा, वो जो है आपके 15वें वर्ग के तत्व होगा, मतलब क्या, यहां तक बात समझ में आई। फिर और देखो कौन सा तत्व वर्ग 13 का है, 13 का है मतलब क्या, वर्ग नंबर 13 में कौन जाएगा, चलो देखिए भाई, देखो दो और तीन दिख रहा है, दो और सात दिख रहा है, अब दो और सात अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन तीन है, तीन जो है किधर जाएगा भाई, तीन जो है किधर जाएगा, या तो वर्ग नंबर तीन में रहेगा, या तो फिर इधर से बढ़ोगे, आपको तो सीक्वेंस बता दूं मैं, ये ऐसा रहता है आपका क्या, पीरियोडिक टेबल, एक दो, ठीक है, फिर यहां से चालू हो जाता है, फिर इधर से और बटा हुआ रहता है, तीन चार पांच छह सात बढ़ा रहता है, और ये कंप्लीट करके इधर से चालू होता है 13, 14, 15, 16। अब इसमें भी तीन कोष के इलेक्ट्रॉन आता है, जिसके इलेक्ट्रॉन में है, सॉरी, जिसके कोष में तीन इलेक्ट्रॉन रहता है वो भी आता है इधर, और इधर भी रहता है, तो मैं बात करूं, ये तो डी ब्लॉक आ जाती है, संक्रमण तत्व आ जाती है, लेकिन मैं देखो एकदम सस्ता वाली तत्व लिए हूं जिसका पांच सात है, तो ये डी ब्लॉक में आया क्या, नहीं, मतलब मैं बात करूंगा इधर का, किधर का, इधर का पी ब्लॉक साइड को, तो पी ब्लॉक में बात करूं सर, तो 13 वाला कौन आ सकता है, तीन वाला कि सात वाला, ऑब्वियसली बात है तीन वाला, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, दो तीन का पांच, अतः इसका आंसर हो जाएगा पांचवे परमाणु क्रमांक वाले संख्या जो है तत्व वो है कौन सा, सॉरी 13, हाँ कौन सा आ जाएगा इसका आंसर, 13 का है, वर्ग नंबर 13 में आ जाएगा, बात समझ में आई, कौन, पांच वाले परमाणु क्रमांक वाला। अब कौन बच गया भाई, कौन सा तत्व वर्ग 17 का है जो बच गया, वही आंसर है सर, दो और सात वाला मतलब क्या, नौ, जिसका परमाणु क्रमांक नौ, कौन है भाई, नाम बताओ, बोल दिया, तो ये हो जाएगा फ्लोरीन, और ये हो जाएगा बोरान, क्यों पांच है, और सात कौन होता है, नाइट्रोजन भैया, और कौन बच गया, दस जो है नियान भैया, बात समझ में आई, इतना सरल पूछा जाता है बच्चों, बहुत ही सरल है, इसमें थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, लेकिन फिर भी
देखो 2020 से 2018 में आया था, फिर भी आपको भी समझ में आ गया कि पूरा क्वेश्चन जो है पीरियडिक टेबल से आया था। पीरियडिक टेबल में आप याद करोगे 20-30 पूरा कंप्लीट आप कवर कर लोगे। यहां तक समझ में आई बात? बहुत ही सरल है भाई। अब ये मत बोलना कि सर आप पढ़ा रहे हो, आप टीचर हो, इस कारण से आपको सब आता है। हमें बच्चे हैं तो हमें समझ में नहीं आती सर, और हमें याद करना पड़ता है। भाई हम भी बच्चे थे, हम भी पढ़े थे इसको। मैं अपने टाइम में क्या करता था, मैं 1 से लेकर 20 तक क्या करता था, तत्वों का नाम को याद कर लेता था, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके बार बार प्रैक्टिस किया, फिर जाके मुझे क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते ही मुझे समझ में आ गया कि कौन से तत्व का आउटरमोस्ट शेल, बाह्यतम शेल में इतना इलेक्ट्रॉन है, अतः ये इस वर्ग में आएगा, अतः ये इस तत्व आवर्त में आएगा, ऐसा करके प्रैक्टिस किया था। बच्चों आपके पास भी टाइम है, आप वैसे लिखिए और इसको प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा क्लियर। यहां तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ हाँ, हमने क्या देखा, हमने पूरा देखा क्या आवर्त वर्ग में इलेक्ट्रॉन को देखकर और कोष को देखकर आंसर को करना सीख गए। यहां तक बात समझ में आई? और क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, इसको भी देख लिए, मतलब इससे क्वेश्चन बहुत आता है, ये चीज समझ में आई। और क्वेश्चन इससे छोड़ और कहीं नहीं आएगा, बस ये पूछेगा, अब बोल दिया, जितने भी आपकी क्या है साइंटिस्ट है उसके नियम को पूछ देगा, उसको भी 4 नंबर में पूछ सकता है, क्या न्यूटन का अष्टक नियम और रोथन मेयरवर्कर को समझाइए, 2-2 नंबर में करके 4 नंबर में पूछ दिया। इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। मैं एकदम डील नहीं कराऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन है लिखो करके, आप पढ़ के आए होंगे, आप पढ़े हैं पूरा साल भर, आप रिवीजन टाइम चल रहा है तो आपको ये पता ही होगा। अगर नहीं है बच्चों तो बुक देखिए, अगर बुक से भी नहीं मिलता तो हमारे ऐप में आइए, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। हम अभी जो अपना मिशन जो एग्जाम चल रहा है उसमें आपको A to Z नहीं दे पाएंगे, जितना आपको दे रहे हैं वो सफिशियंट है, जितना देना चाहिए वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको और एडवांस जाने हैं, आपके पास टाइम कम है, अगर आप दिन में 8 घंटा पढ़ रहे हैं, अगर दिन में आपको 12 घंटा पढ़ना है, दिन में आपको 16 घंटा पढ़ना है, तो बिल्कुल क्या करिए, डीप स्टडी करिए। अगर ऐसा नहीं करते तो स्ट्रेटजी को फॉलो करिए और स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़िए, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? तो ये तो समझ में आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, ठीक है। हाँ, क्या बोलता है भाई, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संयोजकता व उनके, क्या बोल रहा है भाई, उनके परमाणु में वर्ग समूह से में ऊपर से नीचे आने पर और बाहर से जाने पर क्या क्या परिवर्तन होती है। भाई मैंने माइंड मैप कराया जब आपको, तो उस वाले वीडियो में पूरा A to Z आपको बता दिया था कि कैसे क्या होता है और किस सीक्वेंस का फॉलो करता है और आवर्त में जाने में सजगता में क्या इफेक्ट पड़ती है और इलेक्ट्रॉन बंधुत्व में क्या इफेक्ट पड़ती है, आयनन ऊर्जा में क्या इफेक्ट पड़ता है, परमाणु आकार में क्या इफेक्ट पड़ता है, मैं समझा रखा हूं बच्चों। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप एक बार फिर से उस लेक्चर को देखिए, माइंड मैप वाले जो सीरीज में चलाया था, मतलब पहला जो आपको वीडियो आया था उसको में उसमें जाइए और देखिए। अगर नहीं आया तो भी मैं बता दूं कि चलो हाँ, आप लिखना आपको 4 नंबर का, पहले क्या करना, पहला उत्तर लिखना है आपको ऐसे उत्तर करके, फिर पहला सजगता की दृष्टि से उसका आंसर लिखना है, फिर दूसरा परमाणु के आकार, क्या भाई परमाणु के आकार। अब क्या होता है, इसका डील किया था मैं, क्या होता है सर, आवर्त में बाएं से दाएं चलता हूं, क्या होता है भाई, परमाणु आकार छोटी होती, क्यों, क्योंकि कोष एक ही रहता है सर, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरता है, न्यूट्रॉन भैया बोलता है, न्यूक्लियस भैया बोलता है खींच लो मुझे, खींचता है, साइज कम हो जाता है, क्लियर, किसका, तत्व का, परमाणु का। अब वो आवर्त की बात चल रहा था तो कम हो गया, अपोजिट क्या होता है, वर्ग में चलता है तो क्या होता है, बढ़ जाता है, क्यों, कोष बढ़ जाता है, कोष जितना बढ़ेगा नाभिक से उसका दूरी बढ़ता है, तो आकर्षण रहता ही नहीं है, बहुत दूर दूर रहने के कारण उनमें विकर्षण रहती है, मतलब आकर्षण नहीं रहती, क्लियर, परमाणु आकार की बात कर रहा था। इसको आपको ये मेंशन करना है, आपको लिखना है भाई, थ्योरिकल है, कैसे लिखना है वो आप समझ भी गए होंगे, अगर नहीं है तो मैं लिख के बताना चाहूंगा, लेकिन वीडियो फालतू लंबा होगा, आपको भी बोर लगेगा, ठीक है। मैं जो ओरली बोला हूं उसको ध्यान दीजिए भाई, क्या लिखना है, परमाणु आकार, परमाणु, देखो तत्व में अगर मैं बात करूं आवर्त सारणी की, तो जब तत्व का क्या होता है बाएं से दाएं चलते हैं तो मुझे पता चलता है कि क्या होता है भाई, नाभिक का आवेश जो है बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन जो आते हैं उसको खींच लेता है, आकर्षण बल लगने के कारण साइज जो है आकार जो है कम होने लगते हैं जब मैं बाएं से दाएं चलता हूं। लेकिन वही बात करूं वर्ग की, तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर नाभिकीय आवेश जो है, सॉरी नाभिक से पर बाह्यतम कोष में जो क्या है आकर्षण बल है वो कम होता है, जिस कारण से उसका साइज जो है रिपल नहीं हो, सॉरी साइज जो है
है, आकर्षण नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि दूर दूर रहने के कारण उसका साइज बढ़ जाता है। बात समझ में आई। उसी प्रकार आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ऊर्जा होती है मैंने बात किया था, ठीक है, उसको भी लिखना है। सजगता के लिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कैसे कि ये बढ़ता है, आर्त में जाता है, फिर बढ़ता है, फिर कम होने लगता है, ऊपर से नीचे जाता है तो भी क्या होता है, वो भी क्रमिक उसमें परिवर्तन दिखाई देने लगता है। किसमें भाई? आवर्त, वर्ग में और आवर्त में मैं बात कर रखा था बच्चों इसको, है ना। फिर परमाणु आकार की बात हो गई, अब आयनन विभव के बारे में बात करना है, ठीक है सर। आयनन विभव, अब आती है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, फिर बात आती है क्या जी, विद्युत ऋणात्मकता। ये तीनों तीनों सेम ही रहता है, इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहता इसके गुणधर्म में। आवर्त में, आवर्त में क्या होता है, जाता है बढ़ता है, ये भी बढ़ता है, ये भी जाता है बढ़ता है। वर्ग में घटता है, ये भी घटता है, ये भी घटता है, तीनों के साथ यही होता है। अब बात समझ में आई बच्चों, बस इससे ही इतना ही क्वेश्चन आता है। ये कब पूछा गया था? 19 में आया गया था, और इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में बता दिया हूं। इसी क्वेश्चन को भी रिपीट किया जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है एक परमाणु वो दे देगा, परमाणु क्रमांक इतना है उसका ये निकालिए, एक परमाणु ये है इसका ये निकालिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए। इससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाली है और आता गया है, और आने वाले दिन में भी पूरा इसका चांसेस है बच्चों। आपको बस मेहनत करनी है और अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। तो यहां तक जो बात हुआ वो इसे आपका काफी हद तक समझ में आया होगा। इस चैप्टर का आज हम अंतिम पड़ाव में हैं और आज खत्म कर दिए बच्चों, ठीक है। अच्छे से ध्यान दिए, अच्छे से किए, ये मान के चल रहा हूं मैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नया सीरीज देखेंगे, एक नया अध्याय को, नया यूनिट को। तो तब तक के लिए हमसे जुड़िए, और एग्जाम सीरीज में जितना भी आपको पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी लाइए, और उनको लुत्फ उठाने का भी मजा दीजिए, मतलब मजा लीजिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए, मजा करते हुए पढ़ते रहिए, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।